गाइस, तो मेरे हस्बैंड के बर्थडे का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ज़रूर देखिए, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह से तैयारी की और कैसे सेलिब्रेट किया बर्थडे। ये हम टेंपल की ओर निकल रहे हैं, बहुत प्यारा सा टेंपल है, साईं टेंपल। तब आए थे ना, बहुत सुंदर है, ग्रीनरी देखो मस्त एकदम। साईं बाबा को कॉल अब 4 महीना पहले, वो मेडिकल कॉलेज है। साईं को कॉल अब 4 महीना पहले आई थी, नहीं ये आया था, मैं नहीं आई थी। ओ आ गए मंदिर। चलो पैर छुओ पंडित जी का, चलो जाओ। जाओ बेटा तुम भी श्री। हम लोग गढ़वा से आ रहे हैं। आप मेरी शादी कराए थे उमा तिवारी, भूल गए शादी करा के? आप ही ना मेरे शादी कराए थे। मंदिर की खासियत ये थी कि यहाँ सारे देवी देवताओं की मूर्ति थी लाइन से, काली जी की, गणपति बप्पा की, शिव जी की, दुर्गा मैया की, सूर्य देव की, हर भगवान की मूर्ति थी और बहुत प्यारी प्यारी संगमरमर की मूर्ति थी। मुझे शंकर पार्वती एज अ कपल बहुत पसंद है, क्योंकि शंकर जी जैसे हस्बैंड अगर किसी भी औरत को मिल जाए तो उसका जीवन सफल है। बहुत प्यारा इन लोगों का जोड़ा लगता है और मेरा हस्बैंड बिल्कुल शंकर जी जैसा है। आप ही ने करवाया पंडित जी शादी हम लोग का? करवाए तो है बेटा, तो उसके बाद तो कहीं दर्शन है हम लोग का। एक दिन हुआ सिंदूर।
कहाँ मिलेगा सिंदूर? सर पे सिंदूर लगाना है, माथे पे कहाँ मिलेगा? वही भगवती वाला लेके लगा लें। चलो सीख दी। खुद भी लगा लो। देखो बेटा, मम्मी पापा का यही पंडित जी शादी कराए हैं, देख लो ध्यान से। हसदा लग रहा है, कितने दिन से जान पहचान है। बहुत शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा आरती हो रही है और ना वो कंफर्टेबल नहीं है, बहुत कान में आवाज़ गूंज रहा है। तो सब लोग भीतर आरती ले रहे हैं बट मैं बाहर निकल गई हूँ, है ना वो? स्माइल स्माइल बेटा। नहीं, चलो सुला दो, पिज्जा खाने आई थी क्या? नहीं, बर्थडे बॉय तुमको कैप लगाना है? ले ले। सिक्की दी बोल रही कैप लगवा देगी। हैप्पी बर्थडे साकेत, SAKET अच्छा, ये वहाँ लाइटिंग अच्छी है क्या उस होटल में? क्या? हाँ। नहीं नहीं सीखे थे स्पार्कल में छीट। नहीं तो क्या हुआ? छोटा पीछे पिलाते हैं उसको, ले तो नवो को गोदी सीखे दे जाओ।
मेरे को भी भैया। ओए ओए ना वो क्या हुआ? नाबू मम्मा दो मम्मा दो। हेलो बाबा जाओ। केक सच में बहुत टेस्टी है, बहुत यम्मी है। पिछली बार आपने रिव्यू देने बोला तो मैंने दे दिया था। सच में लग रहा है चॉकलेट मेल्ट हो रहा मुँह में ना, बहुत टेस्टी है ना वो। मेरे मुँह में तो पहले ही पिघल गया। तो आज हम लोग खा पी के वापस आ गए हैं और बहुत थका थका फील हो रहा है। आप बता ही सकते हो आपका दिन कैसा गया आज? थैंक यू नन्नी, आज मेरा दिन बनाने के लिए दिन बहुत अच्छा गया। और सबसे अच्छा जानती हो क्या लगा मुझे? जो मैंने लोगों को खाना खिलाया बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल से लगा कि हाँ चलो आज कुछ अच्छा काम किया सिर्फ तुम्हारी वजह से। पहले मैं ऐसा ध्यान नहीं देता था, पहले पार्टी करता था और केक काटता था, उसमें मुझे खुशी मिलती थी। बट तुमने जब बताया ना और ध्यान गया उधर, मैंने जब आज खिलाया लोगों को, खुशी देखी चेहरे पर, खुशी देखी लोगों की, खाना खा के लोग बहुत खुश हुए, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमको लगता है सबको, जैसे मान लो 100 रुपये का पार्टी करना है तो 20 रुपीज़ उस तरफ भी खर्च कर दे तो अच्छा रहता है। 80 रुपीज़ का पार्टी करिए और 20 रुपीज़ का, मतलब एक एग्जांपल दिया। मतलब मेरे को लगता है ना कि मतलब अगर हम लोग जाके कुछ कुछ, जैसे कि मैं बैंगलोर का बता रही हूँ, तो बैंगलोर में ये कल्चर है, मेरे फ्रेंड्स को मैंने देखा है कि रात को पब में चलेगा, डिस्को में चलेगा, नाच लिया, पी लिया और फिर बहुत खर्च कर दिया। मतलब 1000 तो छोड़ दीजिए, 4-5 हज़ार भी खर्च कर देते हैं मिनिमम लोग। तो मुझे लगता है कि वो वेस्ट है, सच पूछो तो वो वेस्ट लगता है मुझे। और मुझे लगता है ना कि खूब आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ नहीं भी तो 500 भी खर्च करिए ना तो भी बहुत है। अगर आपके पास कम बजट है तो, और ज़्यादा बजट है तो आपके हिसाब से आप जितना दें उतनी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी को खिलाने का वो रखते हैं मतलब दिल से, तो अगर आपके पास 500 भी है ना तो 500 में भी लगभग आप बहुत लोग को खिला सकते हैं। तो 1000 रुपये तो ऑब्वियसली अच्छा अमाउंट है, आप खिला सकते हैं लोगों को। तो उससे एक तो ये है कि पुण्य मिलता है, और दूसरा ये कि जब आप दूसरे के फेस पे वो सेटिस्फैक्शन देखेंगे ना खाना को देख के, तो आपको खुद में रियलाइज़ होगा कि सच में यार कितना अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग। और आज हम लोगों ने वही फील किया है ना सगू। एक बुढ़िया के मुझे बोली ना कि द हो द सबेरे है हम जे 8 बजे खा के निकला लिया अभी तक मुँह में पानी नहीं खिडल ले। तो मेरे को उसको देख के बहुत बुरा लगा। फिर मैंने उसे खाना दिया और मैंने बोला कि बोरा लेके सर पे थी, शायद कुछ वर्कर होगी, वो पता नहीं क्या काम करती थी नहीं पता। तो मैंने बोला कि और भी लोगों को बुला लीजिए ना जो बोरा सर पे रखी हुई हैं। तो फिर वो लोग शायद 2-3 नहीं आई और कुछ आई कुछ नहीं आई। बट बहुत सारे गरीब लोग थे जो दौड़ दौड़ के आ गए, खाना बट रहा है बोल के, और दीजिए। तो बड़ा अच्छा लगा। और यही लिटरली एक अच्छा चीज़ है, दिस इज़ द गुड वे टू सेलिब्रेट एनीथिंग, राइट। तो हम नवों के लिए भी कभी कुछ सोचते हैं ना, तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने में ना खर्च करके ना हम इन चीज़ों में खर्च करें। कल को अगर नवों का भी हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, चाहे जो करेंगे हम ऐसे ही करेंगे। इनफैक्ट मैं जब बैंगलोर में थी और पर्सनली मैं जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती थी ना, तो यहाँ क्योंकि मैं छोटे शहर से हूँ तो यहाँ अनाथाश्रम वगैरह मुझे मिलता नहीं था। बट बैंगलोर में जब मैं गई तो मेरे पढ़ाई का ये पार्ट था, क्योंकि मैं 2 साल तक अनाथाश्रम में जाके बच्चों को पढ़ाई हूँ, तुमको तो पता ही है। तो फिर मैं क्या की, तो जब भी मेरा बर्थडे आता था ना मैं उन लोगों के साथ सेलिब्रेट करती थी, और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा जुड़ गई वो लोग से। और फिर जब भी मेरा बर्थडे है मेरे उसी वे में सेलिब्रेट किया। और फिर जब मैं सकू से जुड़ी तो सकू का भी मैं बर्थडे उसी वे में सेलिब्रेट करती हूँ। आज तो फुल सपोर्ट था, मतलब सिक्की दी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, और बड़ी मॉम 3-4 घंटे लगातार वो लोग दोनों मिल के बनाई, जो इससे ज़्यादा सपोर्ट मतलब
कोई कर भी नहीं सकता, और उससे ज़्यादा बढ़िया गिफ्ट इसके लिए कुछ हो भी नहीं सकता है। तो बहुत ज़्यादा मैं तो नवों को संभालने में लगी हुई थी, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए हम लोग, बहुत अच्छा सपोर्ट कर दी। तो एट द एंड ऑफ द डे वी आर फीलिंग बेटर एंड वी आर फीलिंग व्हाट सको हैप्पी या एंड सैटिस्फाइड एज वेल। तो बस यही हमारा कहना है कि जिससे जितना बन पड़े इस टाइप का पॉजिटिव बनाई करो, तो आपको भी बड़ी खुशी मिलेगी और एक अपने अंदर से ना अच्छा फील होगा, जिसको कहते हैं ना क्या आत्मसम्मान, नहीं सेल्फ सेटिस्फैक्शन, करेक्ट हिंदी वर्ड है ना आत्मसंतोष, आपको बहुत अच्छा फील होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज। प्लीज़ अगर आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस करिएगा, और गुड नाइट, बाय बाय, स्माइल दे द बर्थडे बॉय। थैंक यू।